वाराणसी लिए चलते हैं जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि उनके बच्चे कैसे वहां से आएंगे, साधन बंद हो गए थे। तब हमने उस समय उत्तर प्रदेश की 500 बसें मैंने एक ही दिन कोटा भेजी थी, और कोटा से जब राजस्थान की सरकार ने सहयोग नहीं दिया तो मैं उत्तर प्रदेश से फोर्स भेज करके वहां से उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को हम लोग वहां से उस समय हमने तय किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को मेडिकल की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए, सीडीएस की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हम लोग फ्री में कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद में करेंगे। और मुझे बताते हुए मिलता है आज प्रदेश के अंदर हर बड़े जनपद में हम ये सुविधा प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें भी इस बार हम लोगों ने 10,000 उन बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाया है जो अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों प्रकार से तैयारियां करवाई जा रही है, और दोनों प्रकार की तैयारी के लिए हम सब तैयार हो सके। यह एक बड़ा अभियान वर्तमान में प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में आपने देखा होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने घोषित की है। कोरोना कालखंड में शिक्षा के बारे में भी इतना चिंतन अगर कहीं देखने को मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी के ने उसको लागू किया है। और काशीवासियों का तो सौभाग्य है कि काशी के सांसद के रूप में काशी पर और उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है, और काशी से जो दृष्टि देश को और दुनिया को प्राप्त होती है उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सभी व्यवस्थाएं दी गई। या टैबलेट और स्मार्टफोन आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ने में और उत्तर प्रदेश के युवाओं को केवल एक युवा नहीं एक स्मार्ट युवा के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इसलिए आज इस स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई आप सबको दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इसमें जितने भी कंटेंट इसके साथ जोड़े जा रहे हैं, इसमें तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उन सबको आप जरूर देखेंगे, उन योजनाओं का लाभ भी लेंगे और फिर अपने लिए उस प्रकार से एक फील्ड का चयन करते हुए उस क्षेत्र में आप अपने आप को पारंगत करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। आज मुझे काशी के युवाओं को, जब काशी आज हर एक दिशा में आगे बढ़ रही है, काशी हमारी प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है, काशी एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी रहा है, लेकिन समय के अनुरूप काशी अपने को ढालने में कहीं ना कहीं एक अवरोध मान रही थी, लेकिन विगत 7-7.5 वर्ष के अंदर काशी के प्राचीन आध्यात्मिक गौरव को बनाए रखते हुए, काशी की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आज काशी न केवल अध्यात्म और संस्कृति का बल्कि आज काशी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और भौतिक विकास की प्रक्रियाओं को कैसे आधुनिक स्वरूप के साथ ढाल करके हम एक नए कलेवर के साथ देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इस रूप में काशी देश और दुनिया के सामने एक बार फिर से छाती दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा काशी के सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी काशी आए थे, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था। भाइयों बहनों, आपके सामने दो उदाहरण बहुत साफ है। एक, जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार में जब उस समय के राष्ट्रपति जाना चाहते थे तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा था भारत तो एक सेक्युलर स्टेट है
और प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है? कांग्रेस का सेकुलरिज्म है भारत का विरोध, भारत की संवैधानिक मान्यताओं को तार तार करना, भारत के संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध आचरण करना। राष्ट्रपति को उस समय के राष्ट्रपति जी को उस समय के प्रधानमंत्री कहते हैं सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।